अरे जल्दी चलो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ जल्दी चलो, नहीं तो टीचर हमें डांटेगी। हाँ हाँ कल भी हम बहुत लेट हो गए थे। तुम सही बोल रहे हो। हाँ हम हमेशा लेट हो जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। अरे वो देखो बंटी। हाँ देखो देखो, लगता है बंटी आज भी स्कूल नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी लगता है। हाय मिट्टू। हाय बंटी। हाय चिंकी। और सब ठीक बंटी? हाँ हाँ। तो बंटी आज भी स्कूल नहीं आ रहे? अरे स्कूल क्यों जाऊँ मैं, मेरे पास और कोई काम नहीं है उनकी बकबक सुनने के अलावा। मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा तो ये बता, आज तूने क्या झूठ बोला? अरे वही जो मेरे हमेशा का है। वो क्या बंटी? अरे वही, पेट दर्द और क्या। अरे बंटी तू कब तक सबसे झूठ बोलता रहेगा? अरे तुम लोग रहने दो, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। पर ईश्वर की निगाह में तो ये गलत है ना बंटी। अरे जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। अरे बंटी। अरे बड़े आए मुझे समझाने, जाओ जाओ अपना काम करो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन अपने घर वालों को बुद्धू बना लेगा? हाँ हाँ एक ना एक दिन तेरी पोल खुली जाएगी। हाँ हाँ सही। अरे जाओ जाओ, जा रहे हैं। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाना, मैं तो पहले से ही बड़ा आदमी हूँ। बड़े आए मुझे सिखाने। शाम हो गई है, पता नहीं वो बुढ़िया सोई होगी कि नहीं। यहाँ तो कोई नहीं, लगता है बुढ़िया सो गई। अरे वाह मजे आ गए। अरे बंटी बेटा इतने लेट कैसे हो गए? बेटा जरा बताओ ना। अरे हाँ अभी दर्द कम है। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि कोई भारी काम मत करना, बस आराम करना। बहुत थका हुआ लग रहा है मेरा बेटा, आजा चल कुछ खा ले। हाँ हाँ जाऊँ मैं? चलो चलो। तुम इतने लेट हो गए थे तो मैं डर गई थी बेटा। अरे खड़े खड़े थक गया था माँ। क्या करूँ बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, नहीं तो मैं ही तुम्हारे साथ चले चलती। क्या करूँ, पर अब मुझसे चला भी तो नहीं जाता। चल चल तू तो बैठ जा। अरे अम्मा बुरा मत मानो, मैं समझ सकता हूँ। मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। अरे ये सब्जी। ये क्या? और इतना सारा खाना बनाया है अम्मा ने, पर मेरा तो पेट भरा हुआ है, अब क्या करूँ। ले, अरे नहीं, ये रोटी खा। अरे बस बस अम्मा बस। अरे ये थोड़ी सी सब्जी और ले ले बेटा। अरे खा लेना बेटा। अम्मा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा पेट दुख रहा है ना, नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा सा और ले ले। अरे अम्मा नहीं चाहिए। कितना दुबला हो गया है, तेरे माँ बाप आएंगे तो मैं क्या बोलूँगी। खा ले बेटा थोड़ा सा और खा ले। स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। खा ले बेटा। ओ बाप रे बाप पेट भर गया। अरे बस अब और नहीं खाया जाएगा, चलो यहाँ से। अरे अम्मा बस बस अब और नहीं खाया जाएगा। क्या हो गया बेटा, और नहीं खाना अब? ठीक है अम्मा चलो यहाँ से, पेट भर गया। ओ चलो हो गया। अरे अम्मा अब कुछ नहीं खाया जाएगा, पेट फट जाएगा। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। पता नहीं मेरे बंटी को क्या हो गया है। बंटी, अरे बंटी उठो बेटा, स्कूल नहीं जाना, कितने दिनों से तुम स्कूल नहीं गए, उठो बेटा, उठ जाओ बंटी। अरे ये सुबह सुबह फिर आ गई दिमाग खराब करने। अरे मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अरे वो बबलू डॉक्टर से फिर से मिलना पड़ेगा, अगर दर्द कम नहीं हुआ तो फिर से आकर चेकअप करने को बोला था उन्होंने। अब मैं सो जाऊं, आप जाओ यहां से।
हे भगवान, ये बंटी आज भी सही नहीं हुआ। डॉक्टर को देने के लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तो आप यहाँ रख दो। ओ, मैं तो सोने चला। हे भगवान, मेरा बेटा कितने दिन से बीमार है, अब मैं क्या करूँ। मैं अभी जाकर इसके दोस्त शेरू को बोलती हूँ, वो इसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया, पता नहीं कौन होगा। हेलो हेलो शेरू बेटा, मैं अम्मा बोल रही हूँ। अम्मा कैसी हो, सब ठीक है? बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर बंटी ठीक नहीं है। बहुत दिनों से उसके पेट में दर्द है। बेटा तुम आकर क्या उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? वो बहुत दिनों से स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, आ जाओ बेटा। ओह ये बात है, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है अम्मा, मैं सबको लेकर पहुँच जाऊँगा। जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। बंटी उठ जा बेटा, बंटी। ओफो क्या परेशानी है, अरे मैं चला जाऊंगा, पैसे यहीं रख दो। सोने दो मुझे। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, शेरू तुम्हें लेने आता ही होगा। अरे वो क्यों आए हैं यहाँ पर? वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, उठो बेटा। अरे क्यों बुलाया उनको यहाँ पर, अरे मत बुलाओ, वापस भेज दो उनको, वापस भेज दो। देखती हूँ कौन आया है। अरे अरे अब क्या करूँ, अब तो झूठ पकड़ में आ जाएगा। अरे यार अब क्या करूँ। अरे वाह आ गए, आ जाओ बेटा अंदर आ जा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुम जल्दी आ गए। अरे आप सब आए हैं? हाँ माँ, हाँ जैसे ही आपने फोन किया मैं सब दोस्तों को लेकर आ गया। अच्छा किया, आ जा। बंटी कहाँ है? सब अंदर आ जाओ। अच्छा अच्छा आ जाओ बेटा। अरे बंटी मेरे भाई, अरे क्या हो गया तुझे? अरे हा? वो तो जरा सा पेट दर्द था बस। कोई बात नहीं बंटी, हम सब तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, चलो। अरे नहीं नहीं, चलो। रहने दो, तुम लोग चले जाओ, मैं थोड़ा आराम करने के बाद चले जाऊंगा। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे उठा कर ले चलो। अरे अरे छोड़ दो मुझे, अरे मुझे नहीं जाना, अरे मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ो मुझे, अरे नहीं जाना, अरे खड़ा नहीं हो पा रहा, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे मुझे क्यों रोक रहे हो। अरे डॉक्टर डॉक्टर। हाँ आओ आओ। अरे अरे, अरे चलो अरे नहीं जाना मुझे, अरे कितनी बार बोलूं नहीं जाना, अरे नहीं जाना। लेके आए हैं ना? अरे यार ये क्या हो गया। अरे डॉक्टर साहब बंटी आज बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। क्या हुआ बंटी? डॉक्टर मुझे थोड़ा सा पेट दर्द है बस। ओहो डॉक्टर साहब, इससे उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत कमजोरी आ गई है इसे। अरे हाँ बिल्कुल कमजोर हो गया है। हाँ देखता हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर। ओहो अरे रे बाप रे, ये क्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर, जरा सा पेट दर्द है। सब ठीक हो जाएगा बंटी, अरे मैं हूँ ना। अरे डरो मत बंटी, क्यों डरते हो? अच्छा अरे क्या खाया था तुमने? अरे कुछ नहीं खाया था मैंने डॉक्टर, कुछ नहीं खाया था मैंने। ओहो अरे तुम्हारे पेट में तो कुछ भी नहीं, लाओ आंख दिखाओ, आंख दिखाओ बंटी। ओहो हो यानी क्या कह रहा है? तुम्हें तो बहुत तकलीफ है बंटी। लाओ मैं चेक कर लेता हूँ, अभी बताता हूँ। ओ मित्रों तुमने यहाँ लाने में इसे बड़ी देर कर दी। क्या क्या कह रहा है ये? क्या बात है डॉक्टर,
कोई बड़ी परेशानी तो नहीं? इसके घर पर कौन कौन है? इसके घर पर कोई भी नहीं है। एक अम्मा है जो इसे संभालती है और इसके मम्मी डैडी काम के सिलसिले में दुबई गए हैं। मुझे तो डर लग रहा है, बंटी को कुछ हुआ तो नहीं? इसने सुबह सुबह क्या खाया था? अरे कुछ नहीं। कितने दिनों का बंटी तुम्हें ऐसा होते होते? अरे कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर, मुझे छोड़ दो। यहाँ दुख रहा है? अरे नहीं दुख रहा डॉक्टर, अरे नहीं दुख रहा। बोलो बंटी। अरे नहीं दुख रहा, छोड़ दो डॉक्टर। अरे बोलो तो। अरे नहीं। यहाँ पर? अरे नहीं। अच्छा, मेरा हाथ तो छोड़ो बंटी। अरे चलो चलो उठ जाओ बंटी, आ जाओ। अरे मैं अब इंतजार नहीं कर सकता दोस्तों, मुझे बंटी का ऑपरेशन करना ही होगा। ऑपरेशन? अरे बाप रे, हे भगवान, हे ईश्वर। पर डॉक्टर साहब, ऑपरेशन क्यों करना पड़ेगा? इसे हुआ क्या है? डॉक्टर साहब बताइए ना, कुछ घबराने की बात तो नहीं है? अच्छा बंटी, तुम्हारे पेट के अंदर एक गिठान क्या? अरे कुछ नहीं है। वो मुझे ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। अरे कुछ नहीं है डॉक्टर, मेरे पेट में कुछ नहीं है। नहीं बंटी, मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं, नहीं बंटी, डरो मत, ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर। बंटी को जल्दी से ऑपरेशन रूम में लेके आओ। अरे नहीं डॉक्टर, नहीं। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद बंटी को ये बीमारी फिर से तो नहीं होगी? घबराओ मत, ऑपरेशन के बाद ये बीमारी फिर से कभी नहीं होगी। अरे नहीं करवाना ऑपरेशन डॉक्टर। अरे क्या करूं, भागो, अरे डर मत, अरे हम लोग लेट जा। अरे छोड़ो, अरे ये क्या चाहूंगा बंटी, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे डॉक्टर, छोड़ो, अरे जाने दो मुझे डॉक्टर, अरे जाने दो। अरे दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैंने सबसे झूठ बोला था स्कूल नहीं जाने के लिए। अरे छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। अरे जाने दो, झूठ बोला। लो आज बंटी का झूठ पकड़ा गया। अरे जाने दो। अरे बिट्टू, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अच्छा तो बंटी झूठ बोल रहा था और तुम्हें इसका झूठ पता था? हाँ शेरू, इसका झूठ हमने डॉक्टर को बता दिया था। अच्छा बेटा, तो इसका मतलब तू हमें उल्लू बना रहा था। थैंक यू दोस्तों जो आपने मुझे बता दिया, वरना ये हमें ऐसे ही उल्लू बनाता रहता। हाँ, हम दोनों ने इसे कई बार समझाया, झूठ मत बोला कर बंटी, झूठ मत बोला कर। दोस्तों हमें गलत काम कभी नहीं करना चाहिए और झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है।